निर्देशन पर बीएसई ने शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों की लापरवाही के किस्से आम हो गए हैं, लेकिन अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना भी तय हो गया है। जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर निगरानी शुरू कर दी है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी कमल सिंह को लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले 8 शिक्षकों को सस्पेंड किया है और ऐसे शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर दिया है। साथ ही इन शिक्षकों की जांच भी खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी कमल सिंह ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। सपोर्ट नहीं कर रहे थे और सहायक अध्यापक हेड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुख्य कारण यही था, एक तो समय का आना और जाना। हेड, क्या हम सब ये चाहते हैं कि हमारे विद्यालय, हमारे इसका भौतिक वातावरण अच्छा हो, शैक्षिक वातावरण अच्छा हो, उन्नयन हो बच्चों का। इसके लिए तो इसी बीच में जो है आपस में टकराव रहता था, आने जाने में या संवादहीनता के कारण ये समस्या आई, जिसका आपने मीडिया ने कई बार इसको संज्ञान में लिया। ये कई चीज़ें हुई थी। इसी के सापेक्ष हमारा जनपद और हमें ये सब जानकारी मिली। मैं भी खुद 2 बार गया और इस समस्या को सॉर्ट आउट करने की, समस्या का निदान करने की मैंने कोशिश की, लेकिन कहीं किसी में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं आया। इसके बाद ही हमें ये कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। कितने की संख्या में प्रधानाध्यापकों ने शिक्षक निलंबन किया? एक तो मुख्य अध्यापक इंचार्ज हैं वो, और साथ हैं हमारे सहायक अध्यापक, इनको निलंबन के बाद